आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कालरा, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। मैं तकरीबन लास्ट 20 इयर्स से किडनी के पेशेंट्स को और उनके उपचार को देखता आ रहा हूँ। आज मैं इस सत्र में आपको पीडल एडिमा और उसके कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में बताऊंगा। पेडल एडिमा को समझने के लिए चलिए पहले समझते हैं एडिमा क्या होता है। एडिमा मेडिकल टर्म्स में हम स्वेलिंग या सूजन को कहते हैं। एडिमा चोट या प्रदाह के कारण शरीर के अंगों में आने वाली सूजन है। यह छोटी जगह या पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है और यह ड्रग्स, गर्भावस्था, संक्रमणों और बहुत से बीमारियों के कारण हो सकती है। एडिमा तब उभरता है जब आसपास के उत्कों में छोटी रक्त वाहिनियों से द्रव्य का रिसाव होने के कारण उस स्थिति में उस अंगों में सूजन हो जाती है। अब चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं पीडल एडिमा के बारे में। पीडल एडिमा टखनों, पैरों और टांगों के निचले भाग में असामान्य द्रव्य जुटने कारण पैरों और टखनों में होने वाली सूजन है। अधिकतर समय मामूली रूप से उभरने वाला पीडल एडिमा द्रव्य जुटने के कारण होता है, जिसे एडिमा कहा जाता है। पैर का एडिमा दो अलग अलग पैरों में हो सकता है या एक ही पैर में हो सकता है। इसके बहुत से कारण हैं। कुछ कारण बहुत मामूली होते हैं जिनके लिए प्रॉब्ली कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी, पर कुछ कारण बहुत बड़ी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं और उनको अनदेखा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पीडल एडिमा के मुख्य कारण मैं अब आपको बताना चाहूँगा। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण पैरों, घुटनों और टखनों में सूजन आती है। अधिकांश मामलों में जीवन शैली सूजन का मुख्य कारण हो सकती है। अधिक वजन होना एक सामान्य कारण है जिसकी वजह से पीडल एडिमा डेवलप होता है। अधिक शारीरिक द्रव्यमान के कारण पैरों, टांगों और टखनों में कम रक्त संचार के कारण द्रव संचित हो जाता है। लंबे समय तक खड़े रहना, बहुत से ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें हमें बहुत लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में मांसपेशियां निष्क्रिय होने के कारण शारीरिक द्रव्यों का हृदय के और पंप की ओर पंप करने का में अक्षम हो जाती हैं। टांगों में पानी और रक्त के जुटने के कारण सूजन हो जाती है। इन कारण जिनके लिए प्रॉब्ली कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं हो सकती है, एक तरफ ये कारण है, और दूसरी परिस्थितियों में कुछ ऐसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिनके कारण पीडल एडिमा हो रहा है। इनमें से कुछ मेन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि टांग में रक्त का थक्का जमना। जब आपके रक्त के कुछ घटक गाढ़े हो जाते हैं और अर्ध ठोस पिंड बनते हैं, तब खून के थक्के जम जाते हैं। यह प्रक्रिया चोट के कारण और बहुत से और बीमारियों में हो सकती है, जिसकी वजह से पीडल एडिमा दर्द के साथ उभरता है। इसमें आदमी को दर्द और सूजन दोनों ही तकरीबन एक साथ हो जाते हैं। ये एक गंभीर कारण है और इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। इसका ट्रीटमेंट अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये खून के थक्के टांग से सीधे हार्ट की तरफ जा सकते हैं। चोट या संक्रमण होना, कभी कभी पैर, टांगों या टखनों में चोट या संक्रमण के कारण सूजन हो सकती है और प्रभावित जगह की अतिरिक्त रक्त प्रवाह होने के कारण ये सूजन हमें नजर आने लगती है। एंटीबायोटिक्स, आराम और कुछ पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेने से ये एडिमा खत्म हो जाता है। वीनस इंसफिशंसी, नस संबंधित प्रॉब्लम। टांग की नसों या रक्त वाहिनियों दीर्घकालीन वीनस इंसफिशंसी में कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और नसों में हृदय की ओर जाने वाला रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, जिसके कारण टांगों में रक्त जुट जाता है। इसमें यूजली डॉक्टर आपको सलाह देगा कि कंप्रेशन बैंडेजेस या टाइट स्टॉकिंग्स पहनिए और इससे ये एडिमा कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली स्वेलिंग आती है, बट अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो तो ये प्री एक्लेम्सिया या एक खतरनाक बीमारी है जिसका ये लक्षण हो सकता है। इसमें ब्लड प्रेशर भी यूजली ऐसे फीमेल्स में बढ़ा हुआ जाता है, इसलिए अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो तो हमें ब्लड प्रेशर का जाँच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़रूर करवाना चाहिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हृदय के एक या दोनों लोअर चेंबर्स प्रभावित होने के कारण रक्त पंप करने की क्षमता
हृदय की कम हो जाती है, जिसकी वजह से टांगों, टखनों और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। यह हार्ट फेलियर का इम्पॉर्टेंट लक्षण है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किडनी डिसीज, पीडलिडमा किडनी डिसीज का एक मुख्य और पहला सिम्टम हो सकता है, साइन हो सकता है। इसमें स्वेलिंग, किडनी अतिरिक्त द्रव्य और नमक को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है और इस वजह से अतिरिक्त सॉल्ट और वाटर हमारे शरीर में रहने लगता है, जो कि डिपेंडेंट पोर्शंस में पीडलिडमा की तरह से हमें नज़र आता है। तो ये सुबह के समय जब आप लेट के किडनी का पेशेंट उठता है तो आंखों के आसपास स्वेलिंग नज़र आती है, बट वो जब कुछ समय तक अपने पैर लटका के बैठेगा तो पैरों में पीडलिडमा नज़र आने लगता है। अपर्याप्त प्रोटीन्स और एनीमिया भी एक मुख्य कारण हो सकते हैं पीडलिडमा के। तो जहां हमने देखा कि पीडलिडमा सिर्फ शारीरिक वजन बढ़ने से या की वजह से हो सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन कारण है, वहीं पीडलिडमा कुछ भयंकर बीमारियां जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और खून का थक्के जमने के कारण भी हो सकता है, और ये बहुत जल्दी ट्रीटमेंट इनका हमें शुरू करना चाहिए। इडमा को कैसे पहचाने कि ये प्रॉबेबली हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर या लिवर फेलियर से एसोसिएटेड हो सकता है? तो हम साइंटिफिक भाषा में इडमा को पिटिंग और नॉन पिटिंग इडमा में डिवाइड करते हैं। पिटिंग यानी कि दबाने पे गड्ढा पड़ना, नॉन पिटिंग यानी दबाने से गड्ढा ना पड़ना। अगर पिटिंग इडमा है तो ये किडनी, हार्ट और लिवर फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। इडमा के लक्षण को पहचानने के लिए हम त्वचा के ठीक नीचे उतक की सूजन या फूलना, उसे उस त्वचा को चमकदार दिखना या त्वचा को कुछ सेकंडों के लिए दबाने पे गड्ढा बनना, ये इस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पीडलिडमा के उपचार की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके लिए प्रॉबेबली किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर वेट ज़्यादा है या लंबे खड़े होने की वजह से ये पीडलिडमा है, तो प्रॉबेबली वेट कम करने से इसमें और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने से, बीच बीच में बैठने से या पैर ऊपर करने से ये स्वेलिंग कम हो जाएगी और इसके लिए प्रॉबेबली और किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं अगर ये एडमा हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर की वजह से है, तो इसको बहुत जल्दी ही हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका उपचार हमें शुरू करना चाहिए। लक्ष्य, चाहे वो हार्ट फेलियर की वजह से एडमा हो, चाहे किडनी फेलियर की वजह से या लिवर की बीमारी की वजह से, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नमक और पानी, लिक्विड का रिस्ट्रिक्शन। यदि हम ये नमक और पानी का रिस्ट्रिक्शन करेंगे, लिक्विड का रिस्ट्रिक्शन करेंगे, तो ये एडमा कम हो जाएगा और हमें अपने सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो एडमा इन कारणों की वजह से ठीक नहीं, इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ठीक नहीं हो रहा, तब आपके डॉक्टर आपको कुछ डायुरेटिक यानी कि पेशाब बढ़ाने की दवाइयां देते हैं, जिससे कि ये स्वेलिंग कम हो जाती है, नमक और पानी जो एक्सेस है बॉडी में वो यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि वीनस इंसफिशिएंसी, इन सब में आपके डॉक्टर आपको स्टॉकिंग्स या कंप्रेशन बैंडेजेस बांधने के लिए कहते हैं और इससे आपको रिलीफ मिलेगा। आज के इस सत्र में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही बताना चाहूँगा कि पीडलिडमा को अक्सर हम बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको अपनी जीवन शैली या अपने दिनचर्या से कि हम बहुत देर तक खड़े हैं, प्रॉब्ली एक्सर्शन ज़्यादा है, इस वजह से हम उसको निगलेक्ट करने लगते हैं। बट खास तौर से जो पेशेंट्स जिनको कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप अपने सिम्टम्स को निगलेक्ट मत करिए। प्रॉब्ली ये आपकी हार्ट, किडनी और लिवर की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है और एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से है। ज़्यादा नमक और पानी आपके शरीर में इकट्ठा है, अगर आपको इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाएंगे और ये नमक और पानी बढ़ते हुए आपकी छाती में आ सकता है, जिससे कि आपकी सडनली सांस फूल सकती है। खासतौर से जब आप लेटते हैं शुरुआत में, तब आपको घबराहट महसूस होने लगती है। अगर आप इसको भी इन सिम्टम्स को भी निगलेक्ट करते हैं तो प्रॉबेबली बैठे बैठे भी आपकी सांस फूलने लगेगी। तो मेरा कहना आपसे यही होगा कि पीडलिडमा एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियों का, इसको नज़रअंदाज मत करिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। इनमें से दवाइयों से
डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पीडल एडिमा डायबिटीज, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज या हार्ट डिसीज की वजह से है, तो आपने अपने बताए हुए डॉक्टर के अनुसार आपने सॉल्ट के और लिक्विड के इंटेक को कम करें, वो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ देगा। और घर पे अपना वेट चार्टिंग करें, क्योंकि स्वेलिंग को समय समय पे बदलती है। आप समय दिन के समय सुबह उठते ही देखेंगे तो प्रॉब्ली स्वेलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो पानी जो पैरों में है वो लुढ़क के आपके पीठ के पीछे चला जाता है, परंतु जब शाम को आप देखेंगे तो पीडल एडिमा फिर वापस आ जाएगा। तो जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेदर स्वेलिंग आपके फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से, आपकी दवाइयों से कम हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आप वेट रेगुलरली रोज नापना शुरू कर दें, तो अगर आप नमक पानी का परहेज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका नमक पानी जैसे ही निकलेगा आपका वजन कुछ घटेगा, और इस तरह से आपको अपने ट्रीटमेंट के, उपचार के इफेक्ट का जरूर पता चलेगा। तो पीडल एडिमा को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि जहां ये बहुत सामान्य कारणों की वजह से हो सकता है, वहीं ये एक बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। और यदि आपको पीडल एडिमा है तो आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।